आगामी 9 मार्च को आयोजित होने वाली लोक अदालत में संपत्ति कर एवं जल उपभोक्ता प्रभार में लोगों को मिलेगी छूट, नगर निगम आयुक्त ने दी जानकारी। देखिए मार्च जुलाई सितंबर और दिसंबर 19 में लोक अदालत का आयोजन होना है। इस महीने की 9 तारीख को लोक अदालत रीवा में भी आयोजित की जा रही है। उसमें मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 162-63 व में निकायों को संपत्ति कर अधिभार और जल उपभोक्ता प्रभार सरचार्ज में कुछ छूट प्रदान की गई है और उसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। तो संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि 50,000 तक बकाया होने पर केवल अधिभार में 100% तक की छूट रहेगी। इसी प्रकार से जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10,000 रुपये तक बकाया होने पर उनमें भी अधिभार की राशि में 100% की छूट रहेगी। संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि ₹50,000 से अधिक तथा ₹1,00,000 तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50% तक की छूट रहेगी। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि 10,000 से अधिक तथा 50,000 तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75% की छूट रहेगी। ऐसे संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि 1,00,000 से अधिक बकाया होने पर मात्र 25% तक की छूट रहेगी। जल करके ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50,000 से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50% तक की छूट रहेगी। ये छूट केवल वन टाइम सेटलमेंट, केवल एक बार के लिए दी जाएगी। दिनांक 9/3 को आयोजित होने वाली लोक अदालत के लिए यह छूट वित्तीय अधिनियम की बकाया राशि 17-18 पर देय होगी तथा आगामी दिनांकों अर्थात 13/7/2019 उनकी तो अलग बात है। छूट उपरांत अधिकतम 2 किस्तों में जमा कराई जाएगी। एक किस्त में कम से कम 50% राशि लोक अदालत के दिन जमा कराई जाना अनिवार्य होगा।